ठीक है, तो ये जो थी लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो, अच्छा अटेंडेंस लगा दें, मैं आज एबसेंट भी मार्क करूँगा, जो लोग मतलब ये क्या सेशन वाइज अटेंडेंस लूँगा, तो हर सेशन में फिर आना भी होगा, तो अभी जो है वो फिलहाल इस वक्त की अटेंडेंस लगा दें। ठीक है, अटेंडेंस का वही तरीका लगाएं, कहाँ पूछते हैं तो वो मैं बता देता हूँ कि चैट बॉक्स है ना, उसी में लगानी है आपने। हाँ प्रेजेंट लिख के, सही है, गुड। ठीक है, अच्छा ये जो है कुछ हमारे पास सिचुएशंस होती हैं, आप लोग लगाते रहे लेकिन मेंटली तौर पर याद रखिएगा कि ये कुछ सिचुएशन होती है हमारे पास कि जी इक्वेशन है, इक्वेशन तो अब क्योंकि हमने एक लैंग्वेज सीख ली है, लैंग्वेज का क्या मतलब है कि आपके पास डिजिटल जो आपके पास है, ये अभी हमने स्टडी की है गेट्स, इसकी लैंग्वेज सीखी। कैसे सीखी? ऐसे सीखी कि जैसे आप फ्लो चार्ट वगैरह सीखते हैं ना, कि ये आपके पास जो कौन से गेट है ये हम फौरन बता सकते हैं, ये नैंड गेट है। क्यों? एक तो एंड बना हुआ है, उसके आगे जो नॉट है, ठीक है, फौरन आपने बता दिया ये एंड गेट है, हम बता सकते हैं क्योंकि ये डी की तरह बना हुआ है, ठीक है, और दो इनपुट है एक आउटपुट है। और उसको देखें आप, ये जो और है, ठीक है, ये हमारे पास और हो गया, तो इस बेस के ऊपर जो है वो हम इनपुट्स बता सकते हैं कि ये जो है हमारे पास दो नैंड गेट हो रहे हैं। लेकिन अगर हम इक्वेशन को देखें कि इक्वेशन जो है इसकी कैसे बन रही है, इक्वेशन ये बड़े सिंपल तरीके से बन रही है, वो ये कि ये ए डॉट बी, अच्छा ए डॉट बी हमें क्या होता है, ये एंड होता है, डॉट हमने पढ़ा था मल्टीप्लाई एंड जब होता है वो करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो ये कम्प्लीमेंट लगा हुआ है, या इनवर्स आप कह लें, ये कम्प्लीमेंट है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन गया, ये नैंड बन गया, यानी एंड का नैंड बन गया। अब क्या हुआ, जैसे ही हमें ये समझ में आ गया कि ये नैंड है, तो हमने क्या करा, ये सिंबल बनाया और इसका एक आउटपुट निकाल के यहाँ तक ये छोड़ दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद ये वाला अब देगा, ये वाला बन रहा है सी डॉट डी, तो ये सिंपल क्या है, ये एंड ही है, लेकिन इसमें इनपुट बताया जा रहा है कि एक सी होगा और एक डी होगा, तो सी और डी जो है वो इनपुट बना लिया, इसका भी आपने जो है एक आउटपुट निकाल के छोड़ दिया। अब आपने दोनों के एक एक आउटपुट निकाल के जब छोड़े हुए, तो उसके बाद आपने देखा ये जो है दोनों कंबाइन किस में हो रहा है, एक और गेट में हो रहा है, यानी ये वाला नैंड और ये वाला एंड, ये वाला नैंड ये रहा, ये वाला जो एंड है वो ये रहा, सी डॉट डी वाला, ये कंबाइन किसके अंदर हो रही है, और में हो रहा है। तो हमने क्या करा, इसका एक इनपुट इधर इसको बना दिया और दूसरा इनपुट इसको बना दिया, तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास इस इक्वेशन का सर्किट डायग्राम बन गया, ठीक है, जिसको क्लियर है वो फोर लिख के बता। ठीक है, तो ये हमारे पास ये क्या बन गया, ये जो है इक्वेशन का सर्किट डायग्राम है, हमने बहुत इजीली इसको देखा पढ़ा, हमें समझ में आया ये नैंड है, उसके बाद ये समझ में आया एंड है, और बीच में ये और हो रहा था, तो एक इधर इनपुट निकाल दिया, एक इधर इनपुट निकाल दिया, और ये जो है हमने बना लिया, ठीक है। इस तरीके से सेम इस केस के ऊपर मैं एक असाइनमेंट भी दूंगा, हाँ रिपीट कर तो दिया मैंने, देखें इस तरीके से मैंने करा है कि ये करा है कि ए डॉट पी, ये तो पता चल गया एंड है, लेकिन ये जो नजर आ रहा है कंप्लीमेंट, इसका मतलब ये नैंड है, एंड यानी कि नॉट कर देंगे हम, नैंड का हमने देखा था बनाते तो एंड की तरह, लेकिन एक सर्कल लगा देते, तो हमने बना दिया, अच्छा ये क्या सी डॉट डी है, सी डॉट डी का क्या करा हमने, सी और डी का एंड बना दिया, अच्छा दोनों का इनपुट जो है ना इधर बाहर निकाल दिया, लेकिन ये इसलिए निकाला था इनपुट कि हमें पता है कि प्लस भी है, प्लस का मतलब और, हमने क्या करा इसको जो है वो दोनों को कंबाइन कर दिया, यानी इसको इसको ग्राफिकली जो है वो हमने कर दिया, और ये समझ लें कि ये एक तरीके से ये फ्लो चार्ट ही है, सही है, फ्लो किसको कहते हैं कि उसका फ्लो बताया जाए, आप प्रोग्राम का फ्लो बताते हैं, आप प्रोग्राम का फ्लो बताते हैं तो आप जो फ्लो चार्ट देखते हैं या सीखते हैं ना, लेकिन ये क्या है, ये फ्लो चार्ट है, ठीक है, ये किस चीज़ का, ये डिजिटल है, मतलब ये कि ये हमारे पास जो है इक्वेशन का है, सही है, तो ये जो है ज़रा डिफरेंट होगा, अच्छा, ये जो है अभी हमें डिज़ाइन करना है ना, तो डिज़ाइन करना है तो डिज़ाइन जो वो कैसे करें, तो ये जो है मैं डी के लिए ये कर देता हूँ, ठीक है, ये मैं डी बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर डायरेक्ट कोई डी है नहीं, या तो लिखो डी, मैं लिखना भी नहीं चाह रहा, ये मैंने डी बना दिया, उसके बाद मैंने ये पीछे वाला जो है वो रब कर दिया, ठीक है, और
आप चाहो तो एरो से बना लो, चाहो तो स्ट्रेट लाइन बना लो, क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन बनी है तो हम जो है वो स्ट्रेट लाइन ही बना देते। सही है। और ये जो है हमने क्या करा है, ये इसका आउटर, ये मैं बना क्या रहा हूँ, ये बना रहा हूँ। किस वजह से बना रहा हूँ, इस वजह से बना रहा हूँ कि ये जो है हमारे पास कौन सा गेट बनाना है, हमें हमें बनाना है ए डॉट बी और उसको इन्वर्स करना है। फिर क्या था, एक सर्कल था तो सर्कल भी बना दिया, क्योंकि अब जो ये क्या बन गया, नैंड बन गया, पहले नहीं था। ठीक है, अब ए और बी लिखना है तो इधर से आप जो है वो इधर ए राइट कर दें, सही है, और इधर जो है वो बी राइट कर दें। तो ये जो है हमारे पास ए और बी हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद जो हमें क्या करना है वो बनाना है एंड। एंड के लिए भी अब आपको वही लॉजिक करना पड़ेगा कि ये ऐसा बनाया आप, ठीक है, एक जो है वो ऐसे बीच में बना दें और तो थोड़ा सा पीछे से बनाते हैं ताकि दोनों जो है ना साथ आ जाए। ठीक है, ये मैंने बनाया, उसके बाद जो है ये बना दिया। ठीक है, और ये जो है रबड़ से उठा दिया। ठीक है, एक जो है मैंने यहाँ पे बना दिया और एक आपका जो यहाँ पे बना दिया, जो हमें इक्वेशन में दिया था हम वही कर रहे हैं ना। और यहाँ पे जो हमने सी लिख दिया, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन में जो वो सी गिवन है, और यहाँ पे जो हमने डी लिख दिया। ठीक है, तो ये बाय प्रैक्टिस आप लोगों को आ जाएगा, थोड़ी सी एग्जाम के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगी। ठीक है, थोड़ा ना फिर ये है कि आपको प्रॉब्लम होगी। सही, ये सी और डी मैंने कोशिश ये की बनाने की, आप जो कुछ भी बनी है। ठीक है, उनसे बोले, फहद बोले कि आ जाए वो, और जब जब ये मसला हल हो ना तो आ जाए। ठीक है, वो पूरे 3 घंटे तक तो ये प्रॉब्लम नहीं फेस कर सकते ना, तो फिर आ जाएंगे। तो ये जो है हमारे पास, सही है, ये बन गया। अब जो है वो क्या करना है हमें, इन दोनों को किसके अंदर करना है, ज्वाइन करना है, प्लस यानी कि और करना है, और बनाना है। तो ये मैं इधर से ना और इधर लेके आ जाता हूँ, ठीक है, और इधर से जो है वो और मैं इधर लेके आ जाता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये और बनाना है, और बनाने का क्या तरीका है मेरे पास, और जो है वो पैरेंथेसिस से बना देते ना हम, इधर एक पैरेंथेसिस ही राइट कर देते। ठीक है, यहाँ पे मैं एक पैरेंथेसिस राइट कर रहा हूँ, आगे ये रहा, ये कर्ली ब्रैकेट हो गया। ठीक है, ये मैंने पैरेंथेसिस राइट किया। ठीक है, अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और जो है वो मैंने इसको इस तरीके से जो है वो ड्रॉ भी कर दिया, ये ऐसे करके। वैसे तो इसी से हो जाएगा, लेकिन अभी जो है वो ये आप चाहें तो ऐसे बना दें। ठीक है, और रबड़ से लेके जो है ना ये पीछे वाला पार्ट मिटा दें। सही है, तो ये क्या हुआ, इन दोनों कंबाइन होने के बाद ये इसका बन गया, और ये हमारा जो है वो एक आउटपुट बना दिया। आउटपुट किसके बराबर है, एफ के बराबर है, तो यहाँ पे जो हम एफ राइट कर देंगे। ठीक है, अब अगर किसी को क्लियर नहीं था 3 लिख के बताएं, बना के भी देख लिए ना हमने। कॉपी पे करें, कॉपी पे करें प्रैक्टिस, जब आ जाए तो इसको पेंट के ऊपर कर लें, पेंट के ऊपर तो बहुत ही आसान होता है। सही है, पेंट के ऊपर तो बहुत ही आसान होता है। चलें ठीक है, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया और ऑनलाइन होने एग्जाम, फिर आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। आप अच्छा हैंड रिटन भी कर सकते हैं, फ्लो चार्ट याद रखिएगा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के, और इसके आप हैंड रिटन भी कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे जो सॉल्व करके देते हैं विदाउट कंप्यूटर ना, तो इसका जो है वो प्रैक्टिस करने का तरीका ये है कि बहुत अच्छे तरीके से वो कॉपी रजिस्टर के ऊपर वो सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करने के बाद उसकी एक स्नैप जो है वो कॉपी के अंदर लगा देते हैं, जब वर्ड की फाइल होती है ना उसमें कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो जब वो कॉपी पेस्ट हो जाता है तो वो आपकी इमेज मिल जाती है, और इमेज से पता चल जाता है कि आपने जो सही वर्किंग की है या नहीं की है। तो ये सबके लिए, वैसे क्वेश्चन तो काजिम का है, क्वेश्चन तो काजिम का है ना, लेकिन है ये मेरे तरफ से सबके लिए। अभी यूनिवर्सिटी का तो ये है ना कि यूनिवर्सिटी का आपको वो आएगा मैसेज, क्योंकि वो जाहिर बात है कि क्या अभी सिलसिला होगा स्टूडेंट्स को एक साथ, तो अभी फिलहाल स्कूल में भी ये इशू है, जैसे वो कह रहे हैं कि ब्रेक आएगा, कुछ फिजिकल क्लासेस होंगी, कुछ
ऑनलाइन होंगी, तो इस तरीके से करके अभी मैनेज किया जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है ना। यूनिवर्सिटी भी बहुत बड़ी है, लेकिन जाहिर बात है वो जब विदाउट मतलब ये पैनाडेमिक चलती है कि तो कोई उसमें रुकावट नहीं होती, लेकिन यहाँ पे तो SOPs इतनी है कि उसकी वजह से जो है वो एकदम से स्टार्ट करना वो होगा। तो वो आपको टाइम टेबल जो है वो मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे कि वो फर्स्ट से जो भी मैनेज मैनेज होती चली जाती है ना। ये अगर फुल फ्लेज जैसे एक यूनिवर्सिटी ऑफ के बाद फुल फ्लेज खुलती है, तो उसमें नॉर्मली रेगुलर ये होता है कि हमारे पास बिल्कुल उसमें कोई रुकावट नहीं होती, मतलब लोग जाते हैं ना, कोई SOP की जरूरत ना मास्क की जरूरत, बैठते हैं, मतलब वहाँ पे कोई इशू नहीं होता। लेकिन यहाँ पे तो इशू ही ज़्यादा है। अभी आप कल तक सुन लेंगे, स्कूल वगैरह में भी शायद गैप्स दिए जाएंगे जो कल से जो है वो। नहीं नॉर्थ में नहीं है इजान, वो जो है वो थे जो थे वो सिटी कैंपस के थे, वो जो थे ना नेमत, वो सिटी कैंपस के थे। तो हम लोग जाते थे, बहुत अच्छे आदमी थे वो बेचारे। और ऐसे ही एक जो सीनियर टीचर है वो भी डॉक्टर है, वो उनकी भी दर्द हो। तो अभी ये इशू भी चल रहा है ना। अभी ये सिंपल तो नहीं है कि आप जो है वो सिंपल जो लोग हैं मतलब ये है बुजुर्ग हैं हर जगह जो है वो है लोग हैं, और बुजुर्ग नहीं भी हैं बच्चे भी हैं, तो है तो बड़ा रिस्की, क्योंकि खुदा ना खास्ता किसी को हो जाता है तो रिकवरी का बड़ा वो है, मतलब इतना इजी नहीं होता इसको मैनेज करना। जो इन लोगों को होता है आप उनसे पूछेंगे कितनी प्रॉब्लम्स के बाद जो है वो मतलब होता है। ठीक है 15 दिन में आप सही हो सकते हैं, लेकिन वही मसला ना, अगर आपकी एज कम हो तो और ज़्यादा चांस है बहुत जल्दी सही हो जाए। लेकिन जो वो गुजारते हैं ना वक्त तकलीफ का मतलब ये कि पेन का उसका उसका, तो वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इतना इजी नहीं है जितना जो है वो मतलब ये कि इसको लिया जा रहा है। अल्लाह रहम करे, फेसबुक के ऊपर तो आए दिन जो किसी ना किसी जानने वाले की, किसी रिश्तेदार की, किसी मतलब कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा कि कोई जो है वो नहीं हो रहा। तो अल्लाह रहम करे सबके साथ। एक बच्चे का समर में हुआ था, समर में तो ये चल रहा था ना, समर में हो गया था, तो उससे पेपर था, पेपर वाले के दौरान हुआ था, तो उससे पेपर तक मेरी बात हुई उससे, वो वाइवा वगैरह भी उसने लेट ज्वाइन किया था। मैंने कहा भी वाइवा के अंदर वो आ नहीं रहा, आ नहीं रहा, मतलब जवाब ही नहीं दे रहा। फिर मैंने उसको कहा, मैंने बोला व्हाट्सएप पे बोला, मैंने बोला आप क्यों नहीं आ रहे। फिर उसने बताया कि सर मैं बता नहीं रहा, क्योंकि उस वक्त बताना भी बहुत बड़ा मसला हुआ करता था, शायद अभी भी मसला है बताना। तो अच्छा चले ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया ना, अब ये है F=C×A। अच्छा आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप से, मैंने अपने ग्रुप से भी ये डाल लिया था, सही है जो ऑफिशियल ग्रुप मैंने बनाया उसके ऊपर डाल लिया था 915 वाला। लेकिन अगर आप किसी ग्रुप के ऊपर हैं बच्चे बच्चे हैं, वहाँ पे मैसेजेस आप अपने तौर के ऊपर डाल लीजिए, क्योंकि ये आके नहीं दे देंगे, आप इनकी एबसेंट मार्क हो जाएगी। वही मैंने बोला था इधर एबसेंट को ईजी नहीं लें, और ये समझ रहे होंगे कि जैसे अभी कॉलेज से निकले ना, तो अभी वही थोड़ा रिलैक्स इन्वायरमेंट है, ऐसा नहीं होता। एक दिन में जो है वो एक एक क्लास में काफ़ी आगे स्टडी चली जाती है। तो अटैम्प्ट करें या ना करें, लेकिन जो आप 7 कंसंट्रेट होने के बाद जो सुन रहे होते हैं और जो आप बाद में जो है वो कर रहे होते हैं, देर इज अ डिफरेंस। तो आप लोग जो है ना वो आप में से जो जो जिस जो आप ग्रुप भी बन गए होंगे, कोई जानने वाला भी होगा सही, तो वो मैसेज जो है वो करते हैं, जिसने मेरी बात सुन ली और अमल भी कर रहा है तो वो 2 लिख के बता दे। ठीक है आप लोग जो है ना दूसरे ग्रुप से मैसेज करो अपने अपने ग्रुप से। अच्छा लास्ट क्लास का भी मैंने जो है उसके ऊपर अपडेट नहीं किया, ठीक है लास्ट क्लास का जो है मैंने अपडेट नहीं किया, तो लास्ट क्लास का जो है मैं अपडेट कर दूंगा। 1% आए तो है। अच्छा जनाब ये हो गए सर्किट डायग्राम। हाँ इसमें एक बात जो इम्पोर्टेंट है, बस वो पॉइंट बताना है, ज़्यादा डिटेल नहीं है उसकी, लेकिन पॉइंट है, लेकिन समझने के लिए जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है वो ये। देखें ये और गेट है, ये एंड गेट है, ये इसके नीचे नैन गेट है ना, तीन गेट है। जैसे हमें कोई बात नहीं समझनी, हमें पता है कि सिंपल जो है जब और कर रहे होते हैं तो प्लस कर लेते हैं, यानी एक भी वन आ रहा है तो सिंपल वो वन हो जाता है, सीधी सी जो बात है ना। अगर और में आपको एक भी वन नज़र आए कहीं पर भी, हालांकि ये 3 इनपुट्स हैं हमारे पास, लेकिन एक भी वन नज़र आए तो वन कर दें। ऐसे हमें ये भी पता है एंड के अंदर, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो कहीं पर भी एक जीरो नज़र आए तो हम जीरो कर देते हैं, ये भी क्लियर है। और नैंड का इसलिए क्लियर है कि जब आपके पास एंड का ये वाला आंसर आ जाता है ना, तो आप खाली क्या करते हैं इसको इन्वर्ट कर देते हैं। देखें जैसे जीरो है ये एंड है, ये नैंड है, इसको वन कर दिया, इसको वन कर दिया, या जीरो जीरो को वन कर दिया, लास्ट में आपने जीरो कर दिया। तो सिंपल जो है कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं होती।
ठीक है, रूल वही चलता है। अब अगर फोर आपके पास है, ए बी सी डी फोर वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल आप उसमें और ऐड कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप ये बस ये याद रखें कि आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूल वही रहेगा कि और के अंदर कहीं पे एक भी वन आ जाए तो वो एंड में, कहीं एक भी जीरो आ जाए तो वो जीरो हो जाएगा, सही। और में कहीं एक वन आ जाए तो वो पूरा वन हो जाएगा, ठीक है। आपने मेरी बात समझ ली तो थ्री लिख के बताएं। हाँ, मेरे यूट्यूब पे होते हैं, यूट्यूब पे मैंने बताया भी है, यूट्यूब का लिंक भी दे दिया है, चैनल भी दे दिया है, ठीक है। तो यूट्यूब के ऊपर जो है वो आप लोग जाके देखते रहा करें, और उसमें से भी कोई बात समझ में नहीं आया। लेकिन इसको पैसिव नहीं लीजिएगा, पैसिव का मतलब है कि बिल्कुल आप ये नहीं हो कि बिल्कुल एंड में जाके अचानक जो है ना एग्जाम से थोड़ा सा पहले बैठे, क्योंकि रिकॉर्डिंग इतनी बहुत सारी होंगी, अब उसमें ढूंढते रहे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये अगर आपको प्रैक्टिस या अच्छे नंबर लाने हैं तो ये रूल याद रखिए कि ये आपकी बहुत हेल्प करती है रिकॉर्डिंग। अगर क्लास में कोई चीज़ मिस हो गई, इंटरनेट इशू है, या फिर और जो चीज़ें हैं उसका कोई इशू है, तो उस सूरत के अंदर जो है वो आपको बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो इसको जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये मैंने बोला था आप लोगों की रिकॉर्डिंग मैंने टू वाली डाली, अब आज थ्री वाली हो जाएगी, यानी एक्चुअली ये क्या है, वन वाली। तो अभी तो अगर आपकी क्लास से देखें तो ये दूसरी ही क्लास है ना, तीसरी, हाँ तीसरी क्लास है। एक तो हमने कैंसिल की थी, एक उसके बाद हुई थी, ठीक है ना, और एक जो थी लास्ट क्लास थी। तो इस तरीके से वो जो मिस हुई थी, तो ये मिस जो है वो कवर मिल रही है, ये आप लोगों की है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो आप, और ये भी मैंने आपको बताया था कि इसको जब आप जाएंगे तो जाने के बाद आपको आपकी क्लास का कैसे पता चलेगा, इसके अंदर जो आप प्ले लिस्ट में चले जाएंगे, तो ये रही प्ले लिस्ट, यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप क्लास अपनी आईडी चेक करेंगे। मैं क्लास आईडी के ही हवाले से रखूँगा, जैसे अभी ये वाली आपकी यहाँ पे पड़ी हुई है, सही है, वीक टू क्लास टू की। तो यहाँ से आप जो है वो उसको पढ़ सकते हैं। हाँ, अटेंडेंस मैंने पहले ही लगवा दी है, सही है, ताकि जो लेट आ रहे हैं उनको फिर पता चले कि हम लेट हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात भी मेरे ख्याल में क्लियर हो गई होगी, अगेन जो कंसंट्रेट कर रहा है उसको तो यकीनन क्लियर होगी कि अगर तीन इनपुट्स हो जाते हैं और में एंड में, तो आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? और में एक भी वन आ जाए तो वन हो जाते हैं, जैसे वो वाला था, फोर वाला था, या टू वेरिएबल्स वाला था, थ्री वेरिएबल्स हो गए, और इस तरीके से एंड में एक भी जीरो आ जाए तो पूरे को जीरो कर देता है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा होता है, एंड मल्टीप्लाई होता है। ऐसे भी आपको पता है a.a.b. प्रोडक्ट कहते हैं फिजिक्स वगैरह के हवाले। और उसके बाद जो है वो नैंड क्या करेंगे, ये वाला जो एंड आ जाएगा इसका। अच्छा, नैंड के लिए आप जो है ना कभी डायरेक्ट नैंड को याद नहीं करें, आप खाली एंड को बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, उसके बाद एक लास्ट कॉलम में जो जो एंड की वैल्यूज आ रही है ना इसको इन्वर्ट करते हैं, सिंपल ये। ऐसी नॉर का याद नहीं करें आप, और का बहुत अच्छी तरह आपको आता है, उसका लास्ट वाला जो कॉलम है उसको इन्वर्ट कर लें। ये जो अभी है ना लास्ट बात की, ये किस किस की समझ में आए, वन लिख के बताएं। हाँ महत, आप अटेंडेंस लगा दें, अटेंडेंस मैंने लगवा दी। अच्छा, ये पॉइंट भी हो गया। अब जो है बात करते हैं वो ये कि डेटा कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट कैसे होता है, ठीक है। ऐसे होने का मतलब ये कि मैं इसकी सिंपल एग्जांपल वो अगेन वही फिगर से दूंगा जो हमारी बेस फिगर रहेगी पूरे सेमेस्टर, वो ये वाली फिगर है, इसी से मैं एग्जांपल दूंगा आपको। अच्छा, ये मैंने बोला था हमारे पास तीन चीज़ें हैं, लेट सपोज यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम तो पहले ही लोड हो गया, इसने करा रोम ने लोड करा, उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास वर्ड में सपोज सर वर्ड ही हमने डायरेक्ट खोल दिया, वर्ड में टाइपिंग करा, तो वर्ड में मैंने ना कीबोर्ड पर टाइप करा ए, ये रहा कीबोर्ड, इसके ऊपर मैंने टाइप करा ए, तो फर्ज करें ये स्क्रीन ना वर्ड की है, वर्ड के ऊपर। तो अब आपके पास जब मैं ए टाइप करूंगा तो ए ही आएगा, फिर मैं क्या करूंगा बी टाइप करूंगा तो बी आएगा, सी टाइप करूंगा तो सी आएगा, एग्जाम की हम बात करेंगे अभी, एग्जाम में टाइम भी है और ये भी क्लियर हो जाएगा क्या ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। तो अभी जो है वो थोड़ा सा टाइम है एग्जाम में ना, और बहुत सारी बातें अभी और करनी है आपको, समझानी है। तो जाहिर बात है जो हम क्लास में या इधर बातें करते हैं वही आएंगे एग्जाम में,
फिर भी आप क्वेश्चन बीच में आप लोग करते रहते, पहले इधर जरा तवज्जो भी दिया करें। मैं क्या बोल रहा, मैं बोल रहा कीबोर्ड पे प्रेस करा, इधर ए आ गया, वर्ड चल रहा था, बी प्रेस करा, बी प्रेस आ गया। अच्छा, दुनिया के तमाम जो कीबोर्ड है उसमें यही हुआ। आप कोई भी किसी भी कंपनी का लेके आए कीबोर्ड, सही, IBM का लेके आए, नॉर्मल लेके आए, डेल का लेके आए, सब में यही हुआ। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वो कोई जब कीबोर्ड बनाते हैं ना, तो वो इस रूल को रखते हैं कि अगर एक ही की प्रेस हो तो उसका जो बाइनरी कोड है वो सेम हो सारे कीबोर्ड में, ठीक है? यानी ये तो रूल बनाया हुआ है ना। तो अब ये है कि एक स्टैंडर्ड दिया जाता है, मिसाल के तौर पे इसको स्टैंडर्ड इसलिए कहते हैं कि सब उस बात पे जो है वो अमल करते हैं। मिसाल के तौर पे A1 KG है, 1 KG ये पूरे वर्ल्ड में एक ही है। आप यहाँ पे लें सेब, या USA में सेब लें, एप्पल खरीदें, 1 KG है ना, इक्वल होगा, बल्कि यहाँ हो सकता है थोड़ा कम हो जाए, लेकिन 1 KG ये पूरे वर्ल्ड में एक ही जो है वो स्टैंडर्ड का है। तो इस तरीके से जो 1 ग्राम आप गोल्ड ले लें, सही, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो तकरीबन इस तरीके से होती है कि आपके पास पूरे वर्ल्ड में एक स्टैंडर्ड चल रहा होता है। तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि, ये USA की कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो कि स्टैंडर्ड देते हैं, जैसे FDA है, वो आपके पास मेडिसिन के हवाले से बहुत मशहूर है। इस तरीके से एक ISO है, आपने नाम भी सुना होगा, सही है, जगह जगह लिखा होता है कि हम लोग जो ISO सर्टिफिकेशन लोग ले लेते हैं, और वो यही होता है कि ये जो है इसको फॉलो करते हैं, इसके रूल्स को फॉलो करते हैं, और वो प्रूफ देते हैं कि आप फॉलो कर रहे हैं, तो ISO इन्हें जो है वो सर्टिफिकेशन दे देता है कि ठीक है जी, आप स्टैंडर्ड सही हमारा फॉलो कर रहे हैं। यानी एक तरीके से अच्छी क्वालिटी के लिए ये बनाए जाते हैं, या सब सबके पास एक ही जैसी चीज़ है। ऐसी एक और भी है, उसका नाम है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये कहलाता है ANSI, और ये जरा कंप्यूटर के लिहाज से जरा ज़्यादा मशहूर है। ये जो है स्टैंडर्ड जो है डिफरेंट, ये भी इंट्रोड्यूस करते हैं। इन्होंने ये कीबोर्ड के लिए एक टेबल बनाया, और उस टेबल को ये कहा कि भाई ये जो टेबल है पूरी वर्ल्ड में जो वो एक जैसा होगा, और इसका उन्होंने नाम दिया ASCII टेबल का, उसका नाम दिया है ASCII टेबल, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडेड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक्चुअली इसमें आपको मिल जाएगा स्लाइड में इसका मतलब, या एब्रीवेशन का पूरा फॉर्म। अच्छा, उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला हम ये कॉन्स्टेंट रखेंगे, क्या चाहिए जो है ना, जो भी कीबोर्ड बनाएगा वो जब ए प्रेस करेगा तो 65 यानी बाइनरी का जो भी 65 वैल्यू होगी वो जनरेट हो जाएगी, कीबोर्ड कंट्रोलर को मिलेगी, वो जो है कंप्यूटर को भेजेगा, कंप्यूटर समझ जाएगा कि ए है, और वो जो है जैसे वर्ड में काम कर रहा है तो ए को ए लिखेगा। अब ये देखें यहाँ पे ये स्टैंडर्ड आ रहा है कि आप किसी भी PC में, किसी भी मोबाइल में बात कर रहे हो तो ए का मतलब ए ही होता है, तो ये एक स्टैंडर्ड था। अब जिसने भी कीबोर्ड बनाया उसने इस टेबल को लिया और बनाना शुरू कर दिया। अब यानी कि अगर वो बी प्रेस करते तो 66 कोड या बाइनरी उसका इक्विवेलेंट वो मिलता है कंप्यूटर को, वो बी लिख देते। तो ऐसे जो ए है वो 65 से शुरू होता है, स्मॉल ए 97 से शुरू होता है, जो अभी तक है, मतलब ये चेंज नहीं हुआ आज तक जब से बना है। और 48 जो है, जो हम टाइप करते हैं उसका कोड जो 0 का कोड जो 48 होगा। तो नॉर्मली जब स्टार्ट होता कंप्यूटर, आपको पता है कि बिट्स वगैरह जो थी वो बहुत कम थी ना, तो बिट्स पर इतना काम नहीं होता था, क्योंकि आपके पास डेटा बस जो थी वो मतलब 8 बिट्स की थी, शुरू वाले कंप्यूटर में 8 बिट्स की डेटा बस थी। उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला ASCII जो हम कोड बना रहेंगे या ये बना रहे हैं वो 7 बिट्स से ज़्यादा का नहीं बनाते हैं। तो उन्होंने जब 7 बिट्स का बनाया तो 7 बिट्स के अंदर जो है ना वो अभी तक जो चलता है, यानी जो बेस है वो तो चेंज नहीं हुआ, मतलब नए नए जो है वो बनने लगे उसके साथ साथ ना, टाइम के साथ साथ, लेकिन फिर भी वो वाली चीज़ जो है वो चेंज नहीं हुई। उन्होंने बोला जी आप जो है वो इसको बना लेते हैं। अच्छा, उन्होंने बनाया नहीं, उन्होंने उसको स्टैंडर्ड भी बना दिया कि ये सब लोग जो कीबोर्ड बनाएंगे ना वो इसी तरीके से बनाएंगे। अब लेट सपोज मैं लिखता हूँ कि 2 की पावर, सही है, और ये मैं ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि इधर कोई पावर का बटन है नहीं, 2 की पावर 7, तो ये जो है क्या बनती है, ये बनती है 128, सही है, 128 बन जाती है। हाँ, 128 का क्या मतलब है कि कम्बिनेशन जो होंगे, अगर हम इसमें नंबरिंग करेंगे जी, पहला जो है वो कौन सा होगा, तो पहला 0 आएगा इसमें, डेसिमल का हमारा 0 आएगा, उसका जो भी बाइनरी होगा वो हमने बना दिया, फिर हमारा 1 आएगा, उसका जो बाइनरी होगी वो आ गया, ठीक है। यानी ये 2 की पावर 7 के अंदर ये नंबर आने लगेंगे, और फिर हमारे पास 3 होगा, अपना डेसिमल हम 128 तक लेके जाते हैं,
तो वो जो 2 की पावर 7 तक ही बनेगा, यानी 2 की पावर तक का कैलकुलेटर से 7 कैलकुलेट करें तो 128 आ, ठीक है। तो ये जो है ये आपके पास, यानी ये एक्चुअली था कि ये 0 से स्टार्ट होता था, तो ये 0 से स्टार्ट होता था, तो इससे क्या मतलब था, इससे ये मतलब था कि ये 127 तक जाता था, यानी 0 और 127 हम मिलाएं, यानी 0 को भी काउंट करें तो वो कितना हो जाता है, वो हो जाएगा 128, इसलिए इसको 128 कहते हैं। वैसे ये 0 से 127 तक होता है। फिर जो है उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला बिट बढ़ा देते हैं, बिट बढ़ा देते हैं, और बिट्स को जो है वो हम इसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे। तो जाहिर बात है एक बिट बढ़ाने से उनको क्या हुआ, रेंज डबल हो गई, यानी पहले खाली 128 ऐसे करेक्टर आते थे, 128 आते थे, 128 आते थे, लेकिन मसला ये हुआ कि आगे चल के ये पता चला कुछ ऐसे भी करेक्टर जो हमें जरूरत पड़ती है काउंट्स वगैरह के हवाले से, तो इस करेक्टर सेट को बढ़ाया है और 8 बिट तक किया जाए, तो 0 से लेके जो 255 तक, यानी कि वही 256 हो गया अगर आप 0 को भी, तो ये क्या किया 8 बिट तक कर दिया गया। 127 बिट का पहले था, उसको खाली ASCII कहते थे, जब बढ़ा दिया गया तो वो क्या हो गया, एक्सटेंडेड ASCII हो गया। अब आपकी रेंज बढ़ गई, रेंज का क्या मतलब है कि ये तो खत्म हो जाता था, लेट सपोज ये 127 पे खत्म हो जाता था और उससे आगे जा ही नहीं सकता था, लेकिन ये जो आपके पास रेंज बढ़ गई 128 से, तो आपको बहुत सारे करेक्टर और मिल गए जो कि एक स्टैंडर्ड बन गए, सही है, क्योंकि कीबोर्ड से आप इनडायरेक्टली भी टाइप कर सकते हैं शॉर्टकट की से, और जो है आपको फॉन्ट्स वगैरह के हवाले से जो सॉफ्टवेयर के पास फॉन्ट्स होता है उसके थ्रू भी जो वो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो है क्या कैसे हुआ, जब आपने एक बिट जो है वो बढ़ा दी, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि पूरी वर्ल्ड जाहिर बात है सब ये चाहते हैं कि किसी के कंप्यूटर, रेटिंग स्टूडेंट को चाहिए कि क्लास में जब स्टार्ट हो जब ये अटेंड कर ले, मतलब उस वक्त सब आ रहे होते हैं ना, अब ये बिल्कुल ऐसी फिजिकल क्लास की तरह। अब आपने मुझे कहा मैसेज दिया कि आप जो है वो वेटिंग स्टूडेंट को जो है वो नोट कर, मेरी पूरी तवज्जो इस बात पे थी कि मैं ये जो चीज़ आपको समझाना है उसको समझाऊँ, तो मेरा तब तो देख नहीं सका, लेकिन फिर भी जो रूल है वो तो यही कहता ना, आप टाइम पे जो है जब क्लास शुरू जब आए तो आपका कुछ मिस भी ना। अच्छा फिर क्या किया गया, फिर उन्होंने बोला कि 2 की पावर सिंपल सिंपल 2 बाइट का कर लेते हैं, जैसे सी शार्प में करेक्ट की लेंथ होती है, यानी 2 की पावर जो वो 16 बिट्स कर देते हैं, सही, 2 की पावर 16 कर दिए, यानी अब आपके पास 2 बाइट आ गया। ये कितना था, ये 1 बाइट था, क्योंकि 8 बिट्स का मतलब होता है 1 बाइट, ये कितना हो गया 16 बिट्स, यानी 2 बाइट हो गया। तो अब जो है वो इंक्रीज कर दिया गया, सही है, अब ये इंक्रीज कर दिया गया, तो ये देखें आप पहले तो इसकी रेंज देख लेते हैं। अच्छा इसका नाम उन्होंने कहा यूनिवर्सल कोड, उन्होंने कहा ठीक है ये ASCII था, मतलब हो गया यूज होता था 2 की पावर 7, लेकिन जब डेटा बस जो है वो बढ़ी तो इन्होंने 8 बिट्स का कर दिया, लेकिन अब तो डेटा बट बहुत ही बढ़ गई है ना, मतलब ये 32 तो एक पुरानी बात हो गई, 64 बिट्स एक आम बात हो गई, तो मतलब क्यों ऐसा ना करें कि हम जो है वो 16 बिट्स का जो है अब करेक्टर रख लें और उसका नाम यूनिकोड कह दें, यानी यूनिवर्सल कोड कह दें। तो उन्होंने बोला ठीक है आप कर लें, लेकिन क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्यों किया जा रहा है, तो असल मसला ये था कि सारे कंट्रीज ये चाहते थे कि जो अब आपके पास ASCII टेबल बने, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, जैसे आपने यूनिवर्सल कोड रख दिया, तो इस तरीके से जो है उसके अंदर उनकी लैंग्वेज के भी करेक्टर आए, जैसे चाइना वाले जाएँ कि हमारे भी करेक्टर आ जाए, और पाकिस्तान वाले जाएँ हमारे भी करेक्टर आ जाए, यानी उसकी रेंज बढ़ा दी। तो जब आपने कैलकुलेटर से जो है 2 की पावर चेक करी, सही है, तो आपको पता चला 65,535 करेक्टर बन रहे हैं, तो ये एक ऐसी फिगर है 65,000 के, इसके अंदर दुनिया भर के तमाम करेक्टर जो वो आ सकते। तो आपने क्या करा, देखे पहले 7 बिट्स था, फिर 8 बिट्स हुआ, फिर आपने उसको भी डबल कर दिया, यानी 16 बिट्स कर दिया। अब एडवांटेज क्या हो रहा है, एडवांटेज ये हो रहा है कि जैसे ए है, अब ए तो आपके पास चलेगी 16 बिट्स पे, पहले कितना था 8 बिट्स पे था या 7 बिट्स पे था, तो अगर आप और से देखें तो उन्होंने जो है वो कोई ऐसी चेंज नहीं की है, सही है, उन्होंने सिंपल क्या करा, वो नंबर जो आपके पास इधर आता था 65, यानी बाइनरी के अंदर, वो उन्होंने वैसे ही रहने दिया, लेकिन अब वो जो ये 8 बिट्स पे आ रहा है, और बाकी की जो बिट्स थी वो अनयूज रखी उन्होंने। ऑटोमेटिकली जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 65 बन जाएगा, क्योंकि ये 65 पे इधर इधर 0 0 का मतलब है नथिंग, तो ये 65 बन गया, तो 65 तो पहले भी कोड था ये रहा, तो ऐसे ये वो 66 ये एस का इन्होंने बताया था।
देखें एस के तो ने 2-0-0 रखे, क्योंकि एस का जो वो कितना आ रहा है आपके पास, सही है। अच्छा ये अब जाएगा नहीं चाहिए, लेकिन एस का भी आपके पास जो भी आ रहा है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट, तो ये क्या हुआ, ये इंग्लिश के इक्विवेलेंट बन गए। लेकिन इंग्लिश जब इक्विवेलेंट बन गए तो वो तो ऑलरेडी शुरू के थे, यानी 65 से लेके 100 तो आपके पास 91 तक। तो ये वाले जो है ना देखिए 0-0, ये वाले वो यूज़ ही नहीं कर रहे, ठीक है। ये वाले जो बिट्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यही आपको नंबर जो है 65, 66, 67 ये आपका नंबर है। लेकिन एडवांटेज क्या हुआ, एडवांटेज ये हुआ कि जब आपके पास, क्योंकि अब आप 65,000 तक जा सकते हैं, अभी आप कहाँ तक गए, 65 तक गए, लेकिन इसमें अब हम 65,000 तक जा सकते हैं ना। तो जब आप आगे चले तो देखें, अब 65,000 जब सब वन होंगे, यानी ये 16 की 16 बिट्स सब वन होंगी, तो क्या फिगर बनेगी, ये बनेगी 65,535। और सब जीरो होंगी तो क्या बनेगी, सब जीरो होंगी तो फिर आपके पास सारे जीरो बन जाएंगे। तो अब आगे चल के जो वो रेंज बढ़ती रही, और उन्होंने डिफरेंट रेंज के अंदर ना, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइना का है, ये लेट सपोज जापानी है, ये हम लोगों का है, ये अरबी का है, सो तो उन्होंने क्या करा, ये लैन बढ़ाने के बाद सारे करेक्टर दुनिया के जो है वो इसमें डाल दिए। तो इस तरीके से जो आपकी लैन जो एक्सीड कर दी इस चीज़ की, एस की टेबल की। और एडवांटेज ये हुआ कि आपके पास पूरे जो वर्ल्ड के जितने भी हैं वो सब आ गए इसके अंदर। अच्छा जिन लोगों को ये बात समझ में आ गई है वो 3 लिख के बताएं। ठीक है मैं हल्का सा रिव्यू फिर कर देता हूँ, क्योंकि रिव्यू जो है तो अच्छी बात होती है, और आप लोग अगर कोई मिस कर गया तो इधर उधर आप लोग घर में होते हैं, और घर में जो है वो ऐसा एनवायरनमेंट होता है, कभी कभी आप जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो इसलिए रिपीट कर रहा हूँ मैं। और वो ये है कि 3 टेबल बने, पहले पहले बना 2 की पावर 7, 127, ये बिल्कुल इनिशियल था जब आपके पास नया कंप्यूटर बना था, उन्होंने बोला हम खुद ही बना रहे हैं ना कंप्यूटर, आप इंग्लिश ही डालो और किसी की ज़रूरत नहीं। तो ये इन्होंने A to Z कर दिया, A to Z कर दिया, लेकिन 127 बहुत कम क्वांटिटी थी। अब चाहिए थे ग्राफिक्स करेक्टर जो उस वक्त ट्रेडमार्क वगैरह होगा, ये चाहिए था। तो उन्होंने क्या करा, इसको बढ़ा के 1 बिट बढ़ाई तो इसकी रेंज डबल हो गई 0 से 255। ऑटोमेटिकली क्या हुआ, आपके पास रेंज बढ़ गई तो ये करेक्टर आने लगे। लेकिन अब नई रिक्वायरमेंट ये है, अब नई रिक्वायरमेंट आपके पास क्या है, जी नई रिक्वायरमेंट आपके पास क्या है, नई रिक्वायरमेंट ये पूरी वर्ल्ड चाहती है कि हमारा भी जो है वो करेक्टर सेट हो, उर्दू हो, अरबी हो। तो उन्होंने ठीक है निकाल देते, उसका नाम उन्होंने रखा यूनिकोड। 0 से 65,000 तक रेंज हो गई, क्योंकि उन्होंने अब ले ली 16 बिट्स, 2 की पावर 60। एडवांटेज क्या हुआ कि दुनिया के तमाम करेक्टर आ गए, जितने भी लैंग्वेज के थे, ये जैसे एक कीबोर्ड एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ, इसमें हर तरीके की अरबी ये वो यानी डिफरेंट कीबोर्ड होते हैं, हम लोग तो ऐसे नहीं यूज़ करते, लेकिन आपके पास जो है वो जनरली ये कीबोर्ड होते। अच्छा अब जो है वो 2 मिनट लगेंगे, ठीक है, तो 2 मिनट के अंदर जो है वो ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जो फिर हम कंटिन्यू करते हैं, थोड़े कन्वर्जेंस देखनी है या नंबर सिस्टम समझना है कि क्या है, तो अटेंड कोशिश करेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आपसे उससे उससे होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, आप जो है वो ज्वाइन करें, ठीक है। अभी मैं जो हूँ ब्रेक ले रहा हूँ।